कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, कुंभ सामान्य राशिफल। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना पूर्वाध में बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्थितियों में होता हुआ बदलाव आपको निराश कर सकता है। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी महीने के उत्तरार्ध में रखना अपेक्षित होगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो नौकरी में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आप अपनी मेहनत से अपना मुकाम बढ़िया तरीके से बना पाएंगे, लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान नौकरी में बदलाव आना अपेक्षित है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहे तो इस दौरान कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के पूर्वार्ध में अत्यंत अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी और व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत में आप अपनी पढ़ाई को सही गति में बनाए रखेंगे और इसका आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल है। जहां तक विवाहित जातकों की बात है, तो आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने रिश्ते को संभालना और उसे प्यार से आगे बढ़ाना आपको समझ आएगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानियां रखनी होगी और खर्चों को नियंत्रण में करने की आवश्यकता होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। नंबर दो, कुंभ कार्यक्षेत्र राशिफल। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के साथ दशम भाव को देखेंगे, जिस कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थितियां रहेंगी। आपके काम में मजबूती रहेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। आप जो भी काम करेंगे उसे मजबूती के साथ करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न नजर आएंगे और आपको किसी न किसी रूप में पुरस्कृत कर सकते हैं। 26 अगस्त से मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, जो कि दशम भाव से अष्टम भाव है। इससे आपको अपनी नौकरी में बदलाव करने में कोई सफलता मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे, तो इस दौरान कोई ना कोई अवसर आपको मिल सकता है, जिससे आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव आने के योग बन सकते हैं। ये बदलाव आपकी बेहतर तरीके के लिए होगा, इसलिए इसे दोनों हाथों से स्वीकार करने की कोशिश करें। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी और यदि आप पहले से ही सरकारी सेवा में हैं, तो इस दौरान और अधिक लाभप्रद समय रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का शुरुआत बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। शुक्र और बुध दोनों सप्तम भाव में रहेंगे और उन पर वक्री शनि की, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, दृष्टि रहेगी, तथा चतुर्थ भाव में बैठे मंगल भी उन पर दृष्टि डालेंगे। व्यापार में कुछ नए संयोजन होंगे, कुछ नए संपर्कों का लाभ होगा और व्यापार उन्नति करेगा। 16 अगस्त से सूर्य भी सप्तम भाव में आकर व्यापार को पूर्ण उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नंबर तीन, कुंभ आर्थिक राशिफल। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, तो यह महीना आर्थिक तौर पर मध्य परिणाम लेकर आने वाला है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण धन संचय करने में कुछ समस्या हो सकती है। आपको धन को लेकर सहजता रहेगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें और कैसे अपने धन को निवेदिता करें। इसी असमंजस में आपका धन खर्च भी हो सकता है। सूर्य देव के छठे भाव में होने से द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टि रहने के कारण कुछ खर्च होते रहेंगे, लेकिन मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपको प्रसन्नता होगी कि आपकी आमदनी आपके खर्चों से अधिक हो रही है।
आपकी दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे, लेकिन महीने का उत्तरार्ध और विशेषकर अंतिम सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान बेतहाशा खर्च में बढ़ोतरी होगी जो आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकती है, इसलिए पहले से ही इस बारे में सोचकर रखें कि अपने खर्चों को किस तरह से नियंत्रित करना है ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने न पाए और आप सामान्य रूप से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। किसी भी तरह के नए निवेश के लिए ये समय उचित नहीं है, इसलिए सावधानी रखें। नंबर 4, कुंभ स्वास्थ्य राशिफल। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति और अष्टम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति के कारण आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। आप कैसा भोजन करते हैं, कब भोजन करते हैं और कितनी बार भोजन करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। आपका लापरवाही भरा रवैया और खान पान के प्रति उदासीनता या समय समय पर भोजन न करना आपको नुकसान दे सकता है। बासी भोजन पेट में समस्या और खाद्य पदार्थों से संबंधित समस्या को जन्म दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान बनाए रखें। आपकी छोटी सी सावधानी आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। सूर्य के छठे भाव में रहने से और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और रोगों पर नियंत्रण रहेगा। हालांकि 16 अगस्त को सूर्य छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में जाएंगे और 22 अगस्त को बुध छठे में लौट आएंगे तथा शुक्र 25 को अष्टम में चले जाएंगे और मंगल भी पंचम भाव में 26 अगस्त से होंगे, तो ये स्थितियां आपके उदर रोग और उससे संबंधित समस्याएं दे सकती है, इसलिए सावधानी रखें और उचित समय पर उपचार करा लें। नंबर 5, कुंभ प्रेम व वैवाहिक राशिफल। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो यह महीना आपका प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रियतम के बहुत नजदीक रहेंगे। आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी रहेगी। रोमांस से भरा माहौल रहेगा। एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। आपकी अपने प्रियतम से विवाह की बात भी पक्की हो सकती है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। इस प्रकार यह महीना आपको हर तरह की खुशी दे सकता है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में 22 अगस्त को कर्क राशि में वापस लौट आएंगे, ये समय आपको समस्या दे सकता है। छोटी से छोटी बात भी आप दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें, क्योंकि ज्यादा बोलना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए कम से कम बातचीत करें और धीरे धीरे अब समय को व्यतीत कर लें। विवाहित जातकों की बात करें तो शनि महाराज वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में स्थित होकर आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या ला सकती है, या यूं कहें कि आपका कठोर व्यवहार आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी दे सकता है, लेकिन महीने की शुरुआत में ही शुक्र और बुध भी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके रिश्ते में प्रेम और अपनात्व की भावना बनी रहेगी। मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में कहासुनी होने या झगड़े की स्थिति बन सकती है, जिसे समय रहते आपको सुलझाना होगा। बुध के 22 अगस्त को छठे भाव में चले जाने और शुक्र के 25 अगस्त को अष्टम भाव में तथा मंगल के पंचम भाव में 26 अगस्त को चले जाने से वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी के साथ इस महीने को व्यतीत करने पर ध्यान दें। नंबर 6, कुंभ पारिवारिक राशिफल। यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उतार चढ़ावों से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज चौथे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होगा, उनकी बातों को महत्व मिलेगा, परिवार में आपसी प्रेम और जिम्मेदारी का भाव रहेगा, सहन क्षमता बढ़ेगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे का हित चाहेंगे। इस दौरान कोई पारिवारिक संपत्ति खरीदने में भी सफलता मिल सकती है, जिससे परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों के बीच और ज्यादा खुशी का माहौल रहेगा। दूसरे भाव में राहु के उपस्थित होने से कुटुंब के लोग किसी न किसी बात पर कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखकर चलना होगा और किसी को भी हर बात बताने से बचना होगा। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी की भूमिका भी पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और वो प्रसन्नचित रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल भी सकारात्मक रहेगा और परिवार में खुशियां रहेंगी। मंगल के 26 अगस्त को पंचम भाव में चले जाने से पारिवारिक जीवन में और भी ज्यादा खुशियों का सिलसिला बढ़ेगा।
आपको अपनी संतान को लेकर कुछ समस्याओं की चिंता रहेगी। भाई बहनों से आपके संबंध सुकून रहेंगे, वह आपके सुख का कारण बनेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके कार्यों में सफलता दिलाने में वह आपके साथ खड़े नजर आएंगे। इससे आप और अधिक आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, जो आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। नंबर 7, कुंभ राशि उपाय। आपको श्री राधा रानी जी की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला माता श्री महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। आपके लिए शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना भी लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन राधा कृष्ण नाम का जाप करने से आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।